हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद राजीव शुक्ला पहली बार सोलन पहुंचे। परवाणु से लेकर सोलन तक उनका विभिन्न स्थानों पर जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। शहरी कांग्रेस के सदस्य ने भारी दलबल के साथ नारों के साथ शहर में स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर, राजेंद्र राणा और सोलन के विधायक धनीराम शांडिल विशेष रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस की गुटबाजी स्वागत कार्यक्रम के दौरान भी देखी गई। जिला ब्लॉक और शहरी अध्यक्ष अलग अलग खेमे में स्वागत करते रहे। यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष तौर पर तीनों के बीच नारे लगाने को लेकर एक प्रतियोगिता सी नजर आई। कांग्रेस आने वाले चुनावों में जीत के दावे तो कर रही है, लेकिन अलग अलग खेमों में बटी कांग्रेस को एकजुट करने के लिए प्रभारी राजीव शुक्ला को अभी खासी मुशक्कत करनी पड़ेगी। सोलन में राजीव शुक्ला ने कहा कि भाजपा के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनना तय है। देश में बढ़ती बेरोजगारी की संख्या भाजपा सरकार का तख्ता अवश्य पलटेगी। उनसे जब कांग्रेस में चल रही खींचतान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ज्यादा भाजपा गुटबाजी से प्रभावित है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है। यहां तक कि भाजपा विपक्ष की बात को दबाना चाहता है, जिसका जीता जागता उदाहरण सभी ने देखा है। केंद्र की सरकार पूरी तरह से बहरी बन चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार देश की जनता से गलत नहीं होने देगी। कई बार आया हूँ, लेकिन चार्ज के रूप में पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है यहाँ कांग्रेस की सरकार वापस आने की पूरी संभावना है, पूरे आसार हैं। और जो विकास का रथ रुक गया था, जो विकास थम गया था हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो विकास का काम फिर से शुरू होगा। जो यहाँ 14 लाख लोग बेरोजगार हैं, युवा, उनको रोजगार देने का काम हम करेंगे। हमारी सरकार हमसे ज़्यादा आपसी खींचतान भाजपा में चल रही है, कांग्रेस में तो बहुत कम खींचतान है। अभी सब लोग एक साथ हैं और एकजुट मिलकर एक परिवार की तरह काम करेंगे। और जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, मैं समझता हूँ पुरजोर ढंग से विपक्ष अपने के रूप में कांग्रेस अपनी बात उठा रही है, लेकिन ये सरकारी जब बहरी है तो हम क्या कर सकते हैं।